हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, ये क्या शहनाज गिल तो हो गई है मालामाल। जी हाँ, अंबानियों को तक पीछे छोड़ दिया है शहनाज गिल ने। आखिर ऐसा क्या कर दिया? एक्चुअली शहनाज गिल ने हाल ही में एक ट्रिब्यूट तैयार किया सिद्धार्थ को दे करके। ऐसे में बहुत से मंदबुद्धि लोग कहना शुरू हो गए कि शहनाज ने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है और तो और शहनाज इससे बम्पर पैसा कमाएंगी, बिजनेस कर रही हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन क्या आप इसका दूसरा पहलू जानते हैं? बेशक नहीं जानते होंगे। पहला पहलू तो ये है कि उसमें बिग बॉस की क्लिप्स यूज़ की गई हैं। इस ट्रिब्यूट के दौरान शहनाज के जज्बात असली हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जो इसमें क्लिप्स हैं वो बिग बॉस की हैं और बिग बॉस है इंड मॉल का, और इंड मॉल किसी के जज्बात नहीं देखता, वो बिजनेस जरूर करता है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हाल ही में अबू मलिक ने भी इंटरव्यू के दौरान कहा कि इंड मॉल की तरफ से उन्हें लिंक शेयर किया गया इस गाने का, और जो इंड मॉल है वो लिंक शेयर कर भी रहा है एक्टर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ताकि इस गाने को ज़्यादा प्रॉफिट हो, ताकि गाने का एक बड़ी कमाई जो इस गाने से होगी वो इंड मॉल को जाएगी, क्योंकि शहनाज की टीम ने इस बात की परमिशन ली थी कि बिग बॉस की क्लिप यूज़ करने को। ऐसे में आपको पता होगा कि इंड मॉल किसी भी तरीके का कोताही नहीं करता है अपनी क्लिप्स को यूज़ करवाने के लिए। ऐसे में इसका दूसरा यानी कि एक और चीज़, शहनाज ने आखिर बिग बॉस की ही क्लिप्स क्यों यूज़ की? शहनाज की लाइफ में सिद्धार्थ, आपको पता है, MSK के बाद दोनों साथ रहते थे। शहनाज चाहती तो बहुत सारे वो ऐसे अनसीन बीट पिक्चर्स उनकी लाइफ के थे, जैसे कि दिवाली, होली सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, और भी सारी बहुत सारी पार्टीज़ फैमिलीज़ के साथ अटेंड हुई इन लोगों की, जो आप लोगों को पता भी है। लेकिन उसकी एक भी सिंगल शहनाज ने पिक्चर अपने इस ट्रिब्यूट में शामिल नहीं की। चाहती तो शहनाज उन्हीं पिक्चर्स को यूज़ करके गाना गा करके फटाक से एक MV तैयार करती और उस पर बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कमाई होती, और तो और फैंस उस पर और भी ज़्यादा बेहद प्यार लुटाते, क्योंकि वो अनसीन मोमेंट्स होते। तब तो शहनाज की इस कमाई को किसी को देना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो शहनाज की खुद की होती पिक्चर्स। तो आपको बता दें, शहनाज ने उन चीज़ों को इसलिए नहीं दिखाया किसी को क्योंकि सिद्धार्थ नहीं चाहते थे। जी हाँ, आपको पता होगा कि सिद्धार्थ कितने ज़्यादा प्राइवेट इंसान थे, वो अपनी पर्सनल लाइफ की पिक्चर्स को कभी भी शेयर नहीं करते थे। और ऐसे में शहनाज ने सिद्धार्थ के जाने के बाद भी उनके उसूलों को रखा बरकरार, उनकी फैमिली की प्राइवेसी को पूरी अच्छे से बरकरार रखी, बना कर रखी, ताकि फैमिली पे भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन ना। शहनाज ने खुद ट्रोल होना वाजिब समझा, क्योंकि पता था कि ये सब होने के बाद ऐसा तो होना ही था। लेकिन शहनाज ने सिद्धार्थ पर एक क्वेश्चन भी उठने नहीं दिया।